फ्रेश न्यूज की सारी खबरें आप तक। हत्या के मामले में घोषित अपराधी पिछले 27 वर्षों से फरार था, जिसे आईएससी क्राइम ब्रांच ने गिरफ्तार किया। क्राइम ब्रांच के डीसीपी अमित वोयल ने मीडिया को बताया, दिनांक 4 फरवरी 1997 को शिकायतकर्ता श्रीमती सुनीता निवासी तुगलकाबाद दिल्ली ने रिपोर्ट दर्ज कराई कि वह अपने परिवार के साथ रहती है तथा एटा मैनपुरी उत्तर प्रदेश की स्थायी निवासी है। उसका पति किशन लाल तुगलकाबाद एक्सटेंशन दिल्ली में प्राइवेट क्लीनर का काम करता था। दिनांक 3 फरवरी 1997 को नौकरी से घर लौटने के बाद उसका पति घर पर मौजूद था। शाम करीब 5:15 बजे उसके पति का रिश्तेदार रामू, जो उसी मोहल्ले में रहता था, उनके घर आया। वह उसके पति को अपने घर ले गया क्योंकि उसका पति अक्सर उसके घर आता था। उस दिन उसका पति वापस नहीं आया। अगली सुबह जब उसका पति वापस नहीं आया तो उसने उसके भाई, जो उसी घर में उनके साथ रहता था, को सूचना दी तथा वे दोनों रामू को बुलाने उसके घर गए। लेकिन रामू का घर बंद था। उन्होंने खिड़की से देखा तो घर के अंदर खून फैला हुआ था और कपड़े में लिपटा हुआ शव चारपाई पर पड़ा था। उन्होंने मौके पर पुलिस को बुलाया और घर के अंदर गए। वहां उन्होंने देखा कि उसके पति का शव चारपाई पर पड़ा था। रामू के सभी परिवार के सदस्य और रिश्तेदार वहां से भाग चुके थे। शिकायतकर्ता ने आरोप लगाया कि रामू और उसके साले टिल्लू ने उसके पति की हत्या की है और तदनुसार उसकी शिकायत पर मामला दर्ज किया गया था। जांच के दौरान आरोपी रामू और टिल्लू को 15 मई 1997 को उद्घोषित अपराधी घोषित किया गया। भारत के चुनाव आयोग और वरिष्ठ अधिकारियों के निर्देशों को ध्यान में रखते हुए जघन्य मामलों के वांछित फरार आरोपियों और पैरोल जंपरों का पता लगाने के लिए एचसी अमरीश कुमार और एचसी राजेश कुमार को ऐसे अपराधियों के बारे में जानकारी इकट्ठा करने का काम सौंपा गया था। हेड कांस्टेबल अमरीश कुमार ने टिल्लू निवासी कानपुर यूपी नामक एक पीओ की पहचान की, जो 1997 से पीएस ओखला औद्योगिक क्षेत्र के एक हत्या के मामले में वांछित था। हेड कांस्टेबल अमरीश ने जानकारी को आगे बढ़ाया और परिवार के सदस्यों और करीबी रिश्तेदारों के मोबाइल नंबरों का प्रबंधन किया। गहन तकनीकी विश्लेषण के बाद एक मोबाइल नंबर को शून्य कर दिया गया, जो बार बार अपना स्थान बदलता रहता था और उसका कोई स्थायी स्थान नहीं था। साथ ही मोबाइल फोन ज्यादातर समय बंद रहता था। लोकेशन हिस्ट्री के अनुसार यह भी पता चला कि उपरोक्त मोबाइल नंबर के उपयोगकर्ता का स्थान ज्यादातर हरिद्वार और ऋषिकेश उत्तराखंड में धार्मिक स्थलों के पास था। यह भी पता चला कि उपरोक्त संदिग्ध व्यक्ति एक संत बन गया था और देश भर के मंदिरों में जाता था और विभिन्न धर्मशालाओं में रहता था। 2023 में उनका मूवमेंट कन्याकुमारी में था, लेकिन उनका पता नहीं लगाया जा सका क्योंकि वे जगन्नाथपुरी ओडिशा चले गए। फरार आरोपी का पता लगाने के लिए एसीपी रमेश लांबा की निगरानी में एसआई नरेश कुमार, सुनील पंवार, हेड कांस्टेबल अमरीश कुमार और राजेश कुमार की टीम गठित की गई थी। टीम ने पाया कि आरोपी अपने मोबाइल फोन का बहुत कम इस्तेमाल करता था और 1997 से पुलिस रिकॉर्ड में उसकी तस्वीर भी उपलब्ध नहीं है। टीम ने उसके अंतिम ठिकाने के पास ऋषिकेश उत्तराखंड में फील्ड रेकी की और लोकेशन के पास के मंदिरों में स्वेच्छा से भंडारा वितरक के रूप में काम किया। लगातार 3 दिनों तक स्वयंसेवक के रूप में काम करने के बाद टीम ने घाट नंबर 3 गीता भवन ऋषिकेश उत्तराखंड के पास घोषित अपराधी टिल्लू की पहचान की। पूछताछ के दौरान आरोपी टिल्लू निवासी कानपुर यूपी उम्र 77 वर्ष ने खुलासा किया कि उसकी पत्नी की मृत्यु 1994 में उसकी बेटी के जन्म के बाद हो गई थी। अपनी पत्नी की मृत्यु के बाद वह अपनी बेटी के साथ अपनी बहन के घर दिल्ली चला गया। उसकी बहन और उसका साला अपने परिवार के लिए एक नया घर खरीदना चाहते थे, लेकिन उनका मृतक किशन लाल के साथ कुछ विवाद था। 3 अप्रैल 1997 को रामू ने किशन लाल को अपने घर पर बुलाया और उनके बीच चल रहे आर्थिक विवाद पर चर्चा की।
चर्चा के दौरान मामला इतना बढ़ गया कि किशन लाल ने उसे और रामू को अंजाम भुगतने की धमकी दी। इस पर वे भड़क गए और आपस में झगड़ने लगे, जिसमें किशन लाल की हत्या कर दी गई। इसके बाद वे अपने परिवार के साथ मौके से भाग गए। बाद में वे कानपुर चले गए और अपना पता और पहचान भी बदल ली। उन्होंने रामदास निवासी बदायूं, यूपी के नाम से आधार कार्ड बनवाया। जांच एजेंसी से बचने के लिए उन्होंने खुद को संत का भेष बनाकर देश भर के धार्मिक स्थानों पर घूमना शुरू कर दिया। आरोपी टिल्लू उर्फ रामदास का जन्म 1947 में हुआ था। उसके पिता कानपुर ऑर्डिनेंस फैक्ट्री में काम करते थे। उनका परिवार ऑर्डिनेंस फैक्ट्री की सरकारी आवासीय कॉलोनी में रहता था। उसके तीन भाई और एक बहन थी। वह अनपढ़ है और दिहाड़ी मजदूरी करता था।